करीब तीन साल के करीब हो गया जब से मैं उस बच्चे से उनका हाव भाव से या उनके पहनावे से मैं रुष्ट था, क्योंकि सिटी का पहनावा, दिल्ली का सो पहनावा वो पहनता था इधर मैं, इसलिए इन सब चीज़ों से मैं खिलाफ था, क्योंकि और भी मेरे जो बेटी ये लोग हैं वो मेरे कहने में चलता है, ये लड़की कुछ मेरा कहना नहीं मानता, सनकी टाइप का लड़की थी ये, मुझे तो ऐसे ही लगा कि मैं, मेरा मृत्यु हो गया और मेरा डेड बॉडी पड़ा हुआ है, वो उसको लांग कर चला गया, पूरे परिवार खुश रहा है, बच्चे हमारे हमको बोल रहे हैं पापा उसको रिस्पेक्ट बिल्कुल मत करना। सीमा आई, अंजू चली गई, ये सुर्खियां हैं और सुर्खियों के जो अहम किरदार हैं, अंजू के पिता ग्वालियर के पास टेकनपुर, टेकनपुर के पास ये बोना गांव है, उनके पिता गया प्रसाद थॉमस इस वक्त हमारे साथ हैं। आपकी बेटी अंजू पाकिस्तान चली गई और इस समय पूरी चर्चा है कि उन्होंने अपना नाम बदल लिया, उन्होंने अपना धर्म बदल लिया और निकाह रच लिया। सर मुझे इस बात के ऊपर, पहली बात तो मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि, क्योंकि मैंने जो कल कुछ थोड़ा मीडिया वालों से सुना है तो मुझे ये पूरा विश्वास नहीं हो रहा है कि इस तरीके का कदम बच्चे ने उठा लिया है करके, और अफवाह समझ रहा हूँ मैं इस चीज़ को। अभी लोग बता रहे नेशनल में है क्या, मुझे इतना नॉलेज तो नहीं है, फिर भी मेरे को फीलिंग तो ये हो रहा है कि एक जब बाप का बेटी या उसका बीवी, मतलब एक बेटी या बहू या अपने घर से जब बाहर हो जाती है तो उसका एक तरीके से बाहर जाना और बिना बताए जाना और इतना बड़ा कदम उठाना सब मेरे सेंस से तो बाहर है, क्योंकि हमारा तो, हम क्या एक नॉर्मल इंसान है, हम छोटा मोटा गांव में रहते हैं, अपने छोटा मोटा काम करके अपने गुजारा करते हैं, पर मेरे अंदर तो एकदम ऐसे लग रहा था जैसे मेरा पूरा शरीर जो है फालिस अटैक हो गया करके, मैंने जब सुना था तो फीलिंग तो अब मैं अपने अंदर ही अपने अंदर में समझ रहा हूँ मेरा फीलिंग कैसा है। आपने 2007 में अपनी बेटी के हाथ पीले किए थे जहाँ तक? हाँ जी, 2007 में मैंने, क्योंकि मैंने लड़की का शादी किया था और अच्छा से दोनों को मेल मिलाप करा के शादी किया, एक दूसरे को मिला दिया था, क्योंकि हम लोग फ्रेंकली लोग हैं, कोई भी ऐसा त्रुटि नहीं करना चाहते हैं कि लाइफ में किसी प्रकार की, मतलब हमारी बेइज्जती हो, इसलिए मैंने बेटा बेटी को दोनों को मिला करके उनके समक्ष, मेरा मम्मी पापा उस समय जीवित था, मेरा सास ससुर भी वहाँ पर मौजूद था, उस टाइम में मैं नोएडा में रहता था, वहाँ से नोएडा से मैंने बेटी का शादी किया 2007 में। मैं छोटा सा एक लघु उद्योग यानी कि सिलाई का काम मैं शुरू से किया हूँ बच्चों का। मतलब जब आपको 2007 में शादी बेटी की कर दी थी तो मतलब ऐसी क्या हालात बने कि, मतलब अब तो तस्वीरें भी आ गई और जो प्री वेडिंग शूट की भी कुछ चीजें सोशल मीडिया पर, नसरुल्ला, मतलब नसरुल्ला के साथ फेसबुक पर दोस्ती हुई और फेसबुक फ्रेंड के पास मिलने के लिए आपकी बेटी पाकिस्तान चली गई। सर अब मैं उसके अंदर क्या चल रहा था, सर मैं इस बात को कैसे समझ सकता हूँ, कारण ये है कि काफ़ी समय से, करीब तीन साल के करीब हो गया जब से मैं उस बच्चे से उनका हाव भाव से या उनके पहनावे से मैं रुष्ट था, क्योंकि सिटी का पहनावा, दिल्ली का सो पहनावा वो पहनता था इधर मैं, इसलिए इन सब चीज़ों से मैं खिलाफ था, क्योंकि और भी मेरे जो बेटी ये लोग हैं वो मेरे कहने में चलता है, ये लड़की कुछ मेरा कहना नहीं मानता, सनकी टाइप का लड़की थी ये, मुझे इधर वो आतंक के समय में वो इधर का पहनावा पहनता तो मुझे एकदम अपोजिट लगता, मुझे अच्छा नहीं लगता था इस लड़की से, इसलिए मैं बात भी नहीं करता था। किस तरह का पहनावा पहनती थी? पहनावा वही जींस वगैरह पहनता, मुझे ये अच्छा नहीं लगता। अंजू अगर आपके पास आ जाए, अब लौट कर पाकिस्तान से आए, तो आप कैसे, मतलब उसे स्वीकार करेंगे और क्या उससे बोलेंगे, क्या आपका रिएक्शन होगा? रिएक्शन तो मेरे दिल का रिएक्शन तो ये है कि सबसे पहले जब वो इधर से गई है लड़की तो मेरे अंदर तो एक ऐसी, मतलब अंदर से बात आ रही है, मेरे दिल में ऐसा हो रहा है कि मैं मर गया, मेरे डेड बॉडी को वो पार करके चले गया, अब इससे ज्यादा मैं फीलिंग क्या कर सकता हूँ, मुझे तो ऐसे ही लगा कि मैं, मेरा मृत्यु हो गया और मेरा डेड बॉडी पड़ा हुआ है, वो उसको लांग कर चला गया है, और अब रही वापसी आने की, तो मैं ईश्वर से यही विनती कर दूंगा कि
ये वाकया मेरे सामने ना आए देखने का, और ईश्वर चाहे कि मेरी आंखें फूट जाए मैं न देख सकूं इस भाव को, क्योंकि मैंने बच्चों को इतना ईमानदारी से पाला है, मैंने मेहनत से पाला है, मैंने कभी जिंदगी में गलत नहीं किया, मैं हमेशा स्वच्छ जीवन बिताया, मैंने मेरे बच्चों को भी मैंने यही सिखाया, और ये बेटी इस तरीके का कदम उठा लिया, और मेरे मुंह से बोलने में भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि ये अभी मेरी बात नहीं, ये हमारे देश की बात हो गई, देश की बात हो गई, क्योंकि आप लगातार वो खबर देख रहे थे, आप उसका मतलब सीमा हैदर की खबर की बात संदर्भ में आप बात कर रहे हैं। हाँ जी हाँ जी, अब मैं नहीं चाहता कि वो मतलब मैं देखना चाहूँ, नहीं, मेरा पूरा परिवार उसको कोस रहा है, पूरा परिवार कोस रहा है, बच्चे हमारे हमको बोल रहे हैं पापा उसको रिस्पेक्ट बिल्कुल मत करना, मैंने कहा बेटा मैं देखने के लिए जिंदा नहीं रहूँ तो अच्छा है, मैं देखूंगा नहीं, मैंने कोई भी जो भी वीडियो वायरल हुआ मैंने आज तक वीडियो केवल सुना है, अपनी आंखों से नहीं देखा मैंने, क्योंकि मुझमें इतनी वो हिम्मत नहीं है जो मैं इस तरीके का उसके शक्ल को देख सकूं। मेरा दिमाग में यही आया है, मेरे बच्चे पांच बेटी में एक पहला बेटी था, ये मृत्यु हो गया इसका। सीमा यादव की बड़ी जांच की गई, जासूसी की, मतलब उसको जब यहाँ भोपाल आई तो जब वो हिंदुस्तान आई तो अंजू के केस में जो तमाम एजेंसियां हैं वो ये भी देख रही हैं कि कहीं कोई दूसरा एंगल तो नहीं है, पिता होने के नाते कभी आपको अपनी बेटी की गतिविधियों में कोई इस तरह की? सर ऐसा गतिविधि तो कोई बच्चे के अंदर नहीं है, क्योंकि इतना पढ़ी लिखी भी नहीं है, इतना इंटेलिजेंट भी नहीं है, वो जीनियस बुद्धि है, ऐसा कोई कदम और ऐसा कोई उसका नेचर नहीं है, और स्वच्छ उसका मतलब तरीके से जीवन सही है। ये दोस्ती और प्यार का ही किस्सा है। अब ये मेरे को तो पहले फर्स्ट में यही सुनने के लिए कि फ्रेंडशिप में बात होती थी उनकी, मुझे तो ये भी पता नहीं था, हमें आप ही लोगों से पता चला है, और उसका जो वीडियो एक वायरल हुआ था पाकिस्तान से उसमें उसने साफ साफ कहा है कि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है आपसे शादी करने का, ऐसा मैंने वीडियो सुना, सच में मैंने आँख से देखा नहीं है पर मैंने कान से सुना, हमारे मोबाइल पे बच्चों ने भेजा, तो उस समय मैंने मेरे को लगा कि ये फ्रेंडशिप है तो फ्रेंडशिप तो चलता रहता है, ऐसी कोई बात नहीं, आज के नए जमाने युग में ऐसी होता है, पर मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि इस तरीके फ्रेंडशिप ये कोई लवर्स स्टोरी बन जाएगा करके, ये मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था। कहते हैं मूलधन से जो ब्याज होता है वो ज्यादा प्रिय होता है, ऐसे ही नाना के लिए, मतलब दो बच्चे हैं, एक बेटा है एक बेटी है, करीब 15 साल की बेटी है बेटा है, मतलब कैसे अंजू, मतलब ये दो बच्चों का क्या आगे, इनका क्या फ्यूचर देख रहे हैं आप? फ्यूचर तो सर जी, जैसे मैंने अपने 5-6 बच्चों को मैंने पालन पोषण किया है, और अभी हमारे बच्चे वयस्क हो गए हैं और बेटा बेटियों की शादी कर दी है, तो हमारे सारे बच्चे यही बोल रहे हैं पापा जी ये दोनों बच्चों को हम पालन पोषण कर लेंगे, आप गुजारिश भारत सरकार से मैं यही करता हूं, और मेरे बच्चे भी यही बोल रहे हैं कि आप गुजारिश करिए कि ये दोनों बच्चे उनको ना दिए जाए, और मैं यही भारत सरकार से और मीडिया वालों से जिससे भी मैं यही निवेदन करता हूँ मैं कि वो मेरे दोनों बच्चे वो मेरे पास ही रहना चाहिए, कानूनी तौर पे अगर मेरा हक नहीं है तो मुझे हक मिलना चाहिए, और जो मेरा क्योंकि मैं उन बच्चों का पालन पोषण कर लूंगा। आप अपने दामाद की बात कर रहे थे, दामाद आपके लिए काफी प्रिय थे, उनसे बातचीत हुई आपकी? हाँ जी, कल शाम को मेरी बात तो नहीं हुई, मेरे बेटे ने बात किया था कि वो फोन उठा नहीं रहे थे किसी का, वो मतलब बहुत सीरियस में हो गया है, किसी से बात नहीं कर रहा है, लोग अफवाह उड़ा रहे हैं इस बात की, वो सोसाइटी से भाग गया है, वो भागा नहीं है, वो अपने चाचा के घर पर है, क्योंकि वो उनको खाने पीने का कोई शुद्धि नहीं है, वो बीमार पड़ गया था इसलिए उनका चाचा ने अपने घर पर बुला लिया उनको। मैं आपको डेविड है, डेविड थॉमस है जो कि दिल्ली में जॉब करते हैं, आपको बहन के बारे में, अब ये सारी चीजें आप तो सोशल मीडिया पे आप खुद भी देखते होंगे, एक भाई होने के नाते अपनी बहन से कुछ कहना चाहोगे पाकिस्तान में न्यूज 18 इंडिया के जरिए, अगर वो आपकी बात सुन रही है तो? मैं यही कहना चाहूंगा जी, उनने जो कदम उठाया है बहुत ही गंदा और बहुत ही बड़ा कदम उठाया है,
ये कदम जो उठाया उसने, ये हमारे भारत देश के लिए एक बदनामी का कदम उठाया उसने। तो अब वो ये तो वो अपनी लाइफ को अपने आप ही समझे, हमारी लाइफ से दूर रहे, वो हमारे परिवार से नहीं, दूर एंटर रहे। नहीं होना चाहिए, एंटर नहीं होना चाहिए हाँ, हमारी लाइफ में, और परिवार। हमें एक्सेप्ट नहीं है कि तुम वापस आओ। अब जो तुम्हें अपनी लाइफ के साथ करना है तुम करो, तुमने पहले डिसीजन ले लिया था तुम करो। कभी बताया डेविड आपको, कभी इस तरह का इल्म हुआ या लगा आपको कि ऐसा कदम अंजू उठा सकती है? ना ऐसा मेरे को कभी आभास भी नहीं हुआ ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि वो मेरी बड़ी सिस्टर, मैं छोटा था तो मैं कभी ऐसे इंटरफेयर नहीं करता, मैं ज़्यादा बातचीत भी नहीं करता था उनसे। आप अंजू के घर जाते होंगे, अलवर में आप उसके घर जाते होंगे, तो वहां जाके कभी आपको लगा कि अंजू इस तरह के रास्ते पर आगे बढ़ रही है? ना ऐसा तो कभी नहीं लगा उसे, जाते थे तो नॉर्मली वो हम फैमिली के साथ रहती थी और पूरा खाना पीना बनाना साथ में एंजॉय करते थे, ऐसा कभी आभास नहीं हुआ हमें। अंजू जिस लड़के की चर्चा हो रही है उस लड़के से आपने संपर्क करने की कोशिश की पाकिस्तान में? ना जी मैंने तो कभी ऐसे संपर्क करने की कोशिश नहीं करी। कि मतलब आप अपनी तरफ से कुछ गुजारिश करना चाहें कि क्यों अंजू की हस्ती खेलती जो जिंदगी है, एक उसका आबाद परिवार है, वो परिवार बचा रहे? उनसे जी मैं अब क्या गुजारिश कर सकता हूँ, उनने तो जो कदम उठाना था उठा लिया है, बस यही गुजारिश करूँगा भाई। अब देखो जैसा तुम लोग को ठीक लगा तुमने किया है ना, अब जैसा अब अपनी लाइफ में करना चाह रहे हो करो, ठीक है, हमारी लाइफ से अब दूर रहो, हमारे परिवार से अब दूर रहो। ये बात संसार है, बात है सर, ये जो बात है ना, इस तरीके की बातें, ये संसार बात है, हमारे परिवार के लिए, हमारे आने वाले समय के लिए, हमारे बच्चों के लिए भी बहुत शर्मसार बात है। क्योंकि अब मैं एक भी एक इंसान होने के नाते मैं तो यही चाहूँगा कि जब कोई हमारे झुंड से कोई बिछड़ जाता है तो उस समय वो अलग हो जाता है, तो उसका स्थिति क्या होता है, इस बात को मैं समझ सकता हूँ। एक जानवर भी जब झुंड से बिछड़ जाता है तो उसके क्या स्थिति होता है जंगल में, तो मुझे तो उसका भविष्य जो है अंधकारमय दिखाई दे रहा है, क्योंकि उज्जवल भविष्य मनुष्य का जब ही रहता है जब एक जानवर भी झुंड के साथ रहते हैं, परिवार के साथ रहता है। अभी मैं नहीं चाहूँगा कि वो मेरे परिवार के साथ सम्मिलित हो, यहाँ तक कि मैं उसके जो दो बच्चे हैं उनको भी उनके साथ मैं ठाई सफ नहीं करूंगा कभी भी, मैं अपने जीते जी। आपके मैं घर में देख रहा हूं, हर कहीं लिखा हुआ है जीसस लव्स यू, जी जीसस की आपके ऊपर मेहरबानी है, कृपा है, आपने सुबह भी प्रेयर की। जी आपने जब धर्म परिवर्तन किया था जी आप कितने साल पहले? सर ये मैंने सन 90 में किया था, और वो इस कारण से किया था कि मैं काफ़ी बीमार रहता था, मैं सिलाई का काम करता था, फिर मेरे 4-5 बच्चे थे, मेरे 4 बेटियां थीं उस समय, तो मेरे पास कई लोग आकर के पत्रिका देते तो मैं पढ़ता, उनको फेंक देता, तो मेरे जीवन में कुछ ऐसा हलचल नहीं हो रहा था। उसके बाद में मेरे 4 बेटियां थीं उसमें मैं काफ़ी बीमार पड़ गया, तो हमारे पूरे परिवार की एक आशा थी मुझे एक बेटा चाहिए, उसके लिए मैंने सारी जगह में मन्नतें मानी, हमारे ससुराल वालों ने, हमने भी उसमें मैंने जीसस के सामने एक अपना क्वेश्चन रखा, सच मुझमें अगर आप उद्धारकर्ता यीशु मसीह हैं तो मुझे एक बेटा अगर वो देगा तो मैं अवश्य ही अपने आप को आपके हाथों में समर्पण कर दूंगा, मुझे मेरे को एक एक बेटा चाहिए, बेटी के एक बेटा मिलेगा मुझे, मैं अपना सारा जीवन अर्पण कर दूंगा। तो फिर बेटा जब आपको मिला, डेविड का जन्म जी हुआ, जी आप क्रिश्चियन बन गए। जी अब जो बेटी है आप अपनी इच्छा से बने, अगर बेटी को पाकिस्तान के एक लड़के से दोस्ती हो रही है और अपनी मर्जी से अगर वो ऐसा करना चाह रही है, जैसा कि खबरें आ रही हैं कि उसने इस्लाम कबूल कर लिया, उसने अपना धर्म बदल लिया, तो क्या ऐसे लिया जा सकता है कि अपनी मर्जी से अगर वो कर रही है तो कोई हर्ज नहीं है? नहीं गलत है, ये तो जो इस तरीके का कदम उठाया वो एकदम गलत है, शर्मसार बात है। मैं तो कभी भी उसको माफ नहीं करूंगा। क्योंकि उसने अपने परिवार के प्रति जिम्मेदारी को नहीं समझा। नहीं उसने अपने परिवार को तो छोड़िए, अपने आ, आ, अपने खुद के बच्चों के बारे में नहीं एक बार मुड़ के देखा, इतने सुशील और सभ्य और इंटेलिजेंट बच्चे हैं हमारे बेटी के दोनों, आप लोग कभी शायद उस बच्चों को देखेंगे तो आपको आंख में आंसू आएगा, इंटेलिजेंट बच्ची है मेरी,
बड़ी वाली लड़की है, उसको बेटी भी जो 14 साल की है, हाँ, उसका तो काफ़ी समय के बाद में एक बेटा, वो 5 साल का बेटा है, वो भी बहुत इंटेलिजेंट है, ज़्यादातर लगाव बच्चों का मेरा पत्नी के साथ है, बेटे का और बेटी का भी, क्योंकि वो बड़ी बेटी होने के नाते उनके पास उनका कोई भी घर में था नहीं देखने वाला, तो ज़्यादातर देख रेख जो हमारा पत्नी ने किया उन दोनों बच्चों को। जी तो और भारत देश के साथ भी जो आपने सबसे अहम बात कही है कि अंजू ने जो कदम उठाया वो देश के लिहाज से भी ठीक नहीं किया। जी हाँ, ये देश के लिए तो बहुत ही मतलब शर्म की बात है, और सबसे बड़ी मैं तो अपने आप को ये चीज सोचता हूँ कि मैं उस बदनसीब बाप हूँ, मैं ऐसी बेटी का जो मेरे मुंह पर एकदम कालक पोत दिया, मेरे परिवार में क्या मेरे मुंह पर कालक पोत दिया, इसलिए मेरे को ये बात कहने में भी बहुत अपने आप को मैं कोशिश करके कर रहा हूँ, मेरी मनोस्थिति ठीक नहीं है इस समय, मैं बोल रहा हूँ शायद कैसे बोल रहा हूँ मुझे कुछ भी पता नहीं है, फिर भी मैं आप सबके सामने हिम्मत जुटा रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरे को इतना ताकत नहीं है बोलने का इस तरीके की बातों के लिए, मैं एक कम ही पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, मैं एक छोटा सा अपना गुजारा करने वाला व्यक्ति हूँ, मैं इतना उच्च शिक्षा नहीं है, कुछ भी नहीं है, पर ये जो हुआ है वो मेरा कहने का भी हिम्मत नहीं है, मैं किसी के सामने जाने की भी मेरी हिम्मत नहीं है। एक पिता का हाल, अंजू के पिता का हाल आप देख रहे हैं। अंजू ने जो कदम उठाया, हिंदुस्तान से पाकिस्तान गई और जिस तरह से चर्चा चली कि इस्लाम कबूल करके अंजू ने निकाह कर लिया, जबकि उसकी शादीशुदा है अंजू, अंजू के 2 बच्चे हैं और उन बच्चों के प्रति एक नाना की जो हालत है वो आप इस समय ग्वालियर के पास टेकनपुर में गया प्रसाद थॉमस जो है उनकी हालत आप देख सकते हैं। एक पिता का रो रो कर बुरा हाल है।